नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स की थ्योरी करेंगे और एमसीक्यू इसके साथ में ही। तो इससे पहले हमने समाकलन, अवकलन, सेटलेशन, फंक्शन, लॉगरिथम के वीडियो डाल चुके हूँ मैं, तो वो आप ज़रूर जाके देखिए इसी चैनल को। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स की पूरी हिस्ट्री करेंगे कि कॉम्प्लेक्स को मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन उससे पहले फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड का फेमस क्वेश्चन है स्क्वायर रूट, उसकी ट्रिक से स्टार्ट करेंगे हम, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की हर क्वेश्चन ही ट्रिक पे लेके जाएंगे जो भी एमसीक्यू करेंगे लास्ट में। तो हम हर क्वेश्चन ही ट्रिक पे लेके जाएंगे, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले दो क्वेश्चन फेमस हैं वैसे आरपीएससी के, एक तो 7+24 आइटा का रूट, एक है 5+12 आइटा का रूट। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों। अब ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो, इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी लगभग पूछती है, अच्छे से देख लो आप, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक, देखो यहां चिन्ह किसका है, प्लस का, तो आपका चिन्ह भी देखो ये टूटेगा ए प्लस आयोटा बी में, ठीक है। तो अब यहां प्लस माइनस होगा, लेकिन ये ऊपर प्लस माइनस होगा तो इस पे डिपेंड करेगा ये। तो अब यहां चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहां पे बी प्लस से आयोटा कर दो, ठीक है। अब इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा, 12, 12 का टुकड़े करो, 3 एंड 4। अब यहां पॉजिटिव है तो यहां बड़ी संख्या आएगी, तो 4 हो गया, और ये यहां पे फिर छोटी बचेगी वो आएगी, तो ये आपका आंसर हो गया 4+3 आयोटा। डायरेक्ट देखो कैसे किया, आप यहां चिन्ह है वो चिन्ह लगा दो आप, ठीक है, प्लस आ जाएगा। इसके हाफ करो, 24 का हाफ 12 हो जाएगा, 12 के दो टुकड़े किए मैंने, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब देखो 3 एंड 4, अब बात है यहां पॉजिटिव है तो पहले बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये सेवन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 4 का 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 24 चिन्ह किसका है, माइनस, तो ये लो माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह रखना है अपने को, ये क्या है, 12 है, क्योंकि इसका हाफ करना है, 12 कर दिया, 12 के टुकड़े करो, 3 एंड 4। यहाँ पॉजिटिव है तो मतलब बड़ी संख्या आएगी यहाँ, तो ये क्या बन गया, 4 माइनस 3 आयोटा। इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक में चलेंगे। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको यहाँ ही कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो प्लस है तो बीच में किसका आएगा, प्लस का, और आयोटा लगा दो। अब यहाँ पे माइनस है, -7 है, इसका मतलब यहाँ छोटी संख्या आएगी, तो छोटी तो 3 और यहाँ पे 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3+4 आयोटा। बस इतना सॉल्व करेंगे, इसको विस्तार से करेंगे जरूर हम, लेकिन जो भी टॉपिक का सीक्वेंस में आएगा तब करेंगे। लेकिन ये आरपीएससी क्या करती है कि क्वेश्चन पूछ लेती है डायरेक्टली, तो आपको 5 मिनट में ही लगभग आपका ये पूरा कवर, एक क्वेश्चन तो 100% हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखो भाई, 7 -7 -24 आयोटा का रूट निकालना है। देखो सबसे पहले ऑप्शन से करते हैं, अब ऑप्शन से देखो, यहां माइनस है तो माइनस का ऑप्शन आएगा, इसका मतलब ये कट गया, ठीक है। अब देखो -7 है तो पहले क्या आएगा, छोटी संख्या, क्योंकि माइनस की है तो पहले क्या आएगी, छोटी, तो ये भी कट गया, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, पेन भी नहीं उठाना आपको। अब देखो नेक्स्ट ऐसा ही है, जो ऑप्शन से ही वो करेंगे हम, देखो इसमें क्या आएगा, यहां प्लस है तो प्लस माइनस वाले सारे ऑप्शन काट दो, ये लो कट गया। इसके देखो यहां पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले बड़ी संख्या आएगी, तो देखो डायरेक्ट ही हो गया, पहले बड़ी मतलब ये हो गया, ये तो छोटी है पहले, तो ये बड़ी होगी, आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ये तभी होगा जब ये सभी सेम हो, ठीक है, नहीं तो तरीका तो वो यही, इसका हाफ करेंगे, 6, 2 और 3। अब पॉजिटिव है तो पहले बड़ी संख्या, फिर 2 आयोटा छोटी संख्या, आंसर आपका ये आ गया। अब देखो यहां माइनस है, इसका मतलब प्लस वाला काट दो सभी,
तो ये प्लस वाले कट गए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले बड़ी संख्या, तो ये आपका डायरेक्ट ही आंसर मैच हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस, पहले पॉजिटिव है तो पहले बड़ी संख्या, ये लो बड़ी संख्या। अब ये देखो तरीके से कर लेते हैं, जो ट्रिक मैंने बताई, प्लस है तो प्लस आयोटा, इसका हाफ करो सिक्स, इसके टुकड़े करो टू एंड थ्री। अब देखो यहां माइनस है तो पहले छोटी संख्या, तो ये लो थ्री आयोटा, ये आप अपने आप करना। छोट यहां पे माइनस है, छोटी संख्या आएगी, ये लो, यहां माइनस है तो माइनस कर दो, और ये थ्री, तो टू माइनस थ्री आयोटा आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये है ट्रिक से, सभी एमसीक्यू इसी ट्रिक से करेंगे हम, ठीक है। दोबारा एक बार देख लो, एक क्वेश्चन में बता देता हूं, फाइव माइनस का फाइव माइनस का ट्वेल्व आयोटा, देखो चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लगा दिया, आयोटा लगा दिया, इसका हाफ करो सिक्स, टू एंड थ्री। अब यहां माइनस है, इसका मतलब पहले छोटी संख्या चाहिए आपको, तो ये लो छोटी, ये लो फिर बची हुई बड़ी, तो टू माइनस थ्री आयोटा आपका डायरेक्ट ही आंसर हो गया। बाकी सारे हम थ्योरी करेंगे अब कि कॉम्प्लेक्स की। अब सबसे बड़ी बात है कि कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज्यादातर यही सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता एक नंबर है जिसके लिए कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता पड़ी अपने को। कॉम्प्लेक्स का मतलब है रियल और जो भी काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, उनको मिला के सम्मिश्रण करते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जब भी देखो, पहले अपने पास रियल नंबर थी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि एक्स प्लस वन इजगल टू जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इजगल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इजगल टू जीरो, एक्स की फोर माइनस वन इजगल टू जीरो। इस पर गौर करना भी, ये तो आपको डायरेक्ट ही पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहले हम रियल पढ़ते थे, लेकिन अब इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए हमें रियल नंबर से अपना काम नहीं चला, तो उसके लिए हमें केवल एक नंबर की आवश्यकता पड़ी जो माइनस वन है। इसी के कारण ये सारा खेल है, और इसी को हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। अब चलो ये तो आयोटा इसके कारण हो, आयोटा की वैल्यू देखो, आयोटा स्क्वायर इजगल टू क्या होता है, माइनस वन, क्योंकि आयोटा रूट माइनस वन को क्या कहते हैं, आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर इजगल टू माइनस वन। अब यहां पे आयोटा रखोगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस वन इजगल टू जीरो, तो माइनस वन प्लस वन इजगल टू जीरो, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे नंबरों में आप रखोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी, बात आएगी ये, क्योंकि ये इसमें लोग कहेंगे कि नहीं ये तो वन से भी हो रहा है, वन से तो हो रहा है, माइनस वन से भी हो रहा है। देखो वन और माइनस वन तो आप सभी को पता है कि ये वन और माइनस वन से संतुष्ट हो रहा है, लेकिन आपको मूल कितने चाहिए भाई, दो तो आपके पास है, ठीक है, दो मूल हैं आपके पास, लेकिन कितने चाहिए आपको, चार चाहिए, चार कहाँ से लेके आओगे, चार मूल कहाँ से लेके आओगे, चार मूल कहाँ से लेके आओगे, ये कंडीशन अपने को आई। अब देखो x की 4 इजगल टू 1 किया मैंने, ठीक है, x की स्क्वायर, अब दोनों का रूट कर रहा हूं तो प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया x स्क्वायर इजगल टू 1, और एक हो गया x स्क्वायर इजगल टू माइनस 1। अब देखो इसका तो चलो x का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो गया, तो जो ये दो रूट तो आपके पास होगी, लेकिन इस समीकरण को कैसे सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन की समीकरण बन गई, इधर ले गया होगे वन, तो ये क्या हो गया, आयोटा और माइनस आयोटा की जरूरत पड़ेगी आपको। मतलब आपको एक चीज तो पता चल गया कि एक्स की फोर माइनस वन को सोल्व करने के लिए एक तो वन की जरूरत पड़ेगी, एक माइनस वन की जरूरत पड़ेगी, एक आयोटा की जरूरत पड़ेगी, एक माइनस आयोटा की, ये इसके मूल है, चारों आपके पास सामने मूल आ गए। अब देखो ये इकाई के घनमूल है, एक्स इजगल टू वन की पावर वन बाई फोर। अब इकाई के घनमूल पूछ ले आपको तो आप क्या लिखोगे भाई, वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा, ये चीजें अपने आगे आने वाली हैं, इकाई की एन वन अपॉन एन पावर तक भी करेंगे, लेकिन लिंक बैठा रहा हूं मैं, तो आप लिंक देख लो कि इकाई के फोर्थ घनमूल, वन फोर्थ घनमूल आपके पास आ गए, और यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि इकाई के 1 बाई थ्री क्या होगा, इकाई के 1 बाई फोर क्या होगा। तो नए तो इकाई का हम 1 बाई थ्री निकाल सकते डायरेक्ट ही, और नए
वन बाई फोर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, आयोटा और काल्पनिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ही हमें काल्पनिक नंबर को जनरेट किया। और काल्पनिक नंबर कुछ नहीं है, रियल नंबर का ही एक एक्सटेंशन रूप है, मतलब रियल नंबर का एक विस्तार किया है काल्पनिक नंबर या समीकरण संख्या में। भाई पहले रियल और पहले तो रियल चलती थी, फिर काल्पनिक और जोड़ दो, दोनों क्या हो जाएंगी, समीकरण हो जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो आयोटा की कई परमे है, आयोटा स्क्वायर इजगल टू क्या होता है माइनस वन, आयोटा क्यूब इजगल टू देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू तो माइनस वन, तो माइनस आयोटा हो गया ये। ठीक है, आयोटा की फोर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो आपको आती है, अब अपने को निकालनी पड़ जाए। मान लो आयोटा की पावर 165, तो क्या करोगे, 165 में 4 का भाग दोगे और इसका जो भी शेषफल बचेगा उसमें क्या करोगे, वो आयोटा की पावर लिखोगे, शेषफल को आयोटा की पावर लिखोगे। देखना भैया, ये तो सभी को ही आता है कि 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 41 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगी। इसकी पावर देखो 4 इंटू 41 इंटू आयोटा की पावर 1, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ केवल आयोटा बचा। ठीक है, तो आयोटा, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, केवल आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, शेषफल को ढूंढना है, कितना शेषफल आएगा, डिवाइड कितनी बार जाएगा, 41 बार, शेषफल प्लस 1 बचा, तो आयोटा की पावर 1 कर दिया। आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होता है ये, 1 इसका देखो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे डायरेक्ट निकालोगे। देखो जैसे आयोटा की पावर 3, 4, 3, अब 4 का डिवाइड करोगे, लास्ट दो नंबर में भाग देते हैं, वैसे आपको पता ही होगा नंबर सिस्टम में, तो इसमें क्या बचा, क्यूब इजगल टू माइनस आयोटा। तो ऐसे आप डिवाइड करके शेषफल को ढूंढना है और वो आयोटा की पावर लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आयोटा की एक और है, देखो आयोटा क्या कहता है कि एक तो आयोटा मान लो प्लस एक आयोटा का स्क्वायर हो गया, एक आयोटा का क्यूब हो गया, एक आयोटा की फोर हो गया। अब ये तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आयोटा ही क्यूब हमने निकाल लिया माइनस आयोटा, और ये प्लस वन, मतलब इसका योग करोगे तो जीरो आएगा, इसका योग देखो वन से वन कट जाएगा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा। इसका मतलब चार सीक्वेंस वाइज यदि आयोटा की पावर ले ली तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सोचो आयोटा की पावर 4k, ठीक है, अब प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 1, आयोटा की पावर 4k प्लस 2, और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 इजगल टू जीरो होगी, कि चार सीक्वेंस वाइज पावर है। देखो इसमें 1, ये इससे बड़ा, एक बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा, इसका मतलब इसकी पूरी की यदि सम करोगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब देखो कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमाने के लिए कर देते हैं, आयोटा की पावर प्लस आयोटा की पावर ये लो, आयोटा की पावर ये लो, और आयोटा की पावर ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अपने को नए की इसमें डिवाइड करके देखना है, अपने को ये देखना है कि 1, 2, 3 एंड 4 है, इसका मतलब सीक्वेंस वाइज है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अपने को केवल इतना ही देखना है। ठीक है, तो ये आयोटा की आपने देख लिया, आयोटा की आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आयोटा की आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, तो आयोटा की वैल्यू निकाल। अब अपनी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अब देखो समीकरण संख्या हमें पता ही है, ये हमने पढ़ लिया कि आयोटा की पावर रूट माइनस वन होगा। ठीक है, अब देखो जेड होता है, इसे आयो समीकरण संख्या से डिनोट करते हैं, इसमें रियल प्लस इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं, ये पार्ट होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट।
ठीक है। अब देखो यदि वाई इजगल टू जीरो कर दोगे आप, तो यहां तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जेड इजगल टू केवल एक्स बचेगा, इसका मतलब वी शुद्ध रियल मतलब वास्तविक संख्या बचेगा, वास्तविक नंबर बचेगा यदि वाई इजगल टू जीरो होगा। अब यदि एक्स इजगल टू जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, केवल ये काल्पनिक बचेगा, इसका मतलब वी शुद्ध काल्पनिक, वी शुद्ध काल्पनिक, और इन दोनों को मिला देंगे तो समिश्रण संख्या बन जाएगी आपकी, समिश्र संख्या बन जाएगी। तो ये हो गया। अब देखो ये पार्ट है आपका, अब देखो नेक्स्ट, तो एक तो हो गया देखो जेड प्लस माइनस वन प्लस आयोटा, तो ये क्या है रियल नंबर क्या है इसमें माइनस वन, और इमेजिनरी क्या है वन है। इसी तरीके से ये निकालोगे जेड इजगल टू फोर है, तो ये वी शुद्ध वास्तविक संख्या है क्योंकि इसमें केवल रियल पार्ट है, तो वी शुद्ध रियल नंबर है ये। इसमें माइन रूट माइनस फोर है, तो रूट माइनस फोर को क्या लिखा होगा टू आयोटा, तो ये वी शुद्ध काल्पनिक है। ठीक है, इसको पूर्णांकीय घातों में ये मैंने पूरा बता दिया। वन अपॉन आयोटा, वन अपॉन ऊपर क्या होगा, वन किसकी होती है आयोटा की, फोर नीचे आयोटा ऊपर आयोटा क्यूब बच जाएगा, नीचे इसका कट के वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई माइनस आयोटा। तो इस तरीके से ये आप देख लेना, ये मैंने बता दिया फोर के, ये भी हमने नंबर कर लिया। आयोटा की पावर वन फोर थ्री हो जाए तो क्या होगा, देखो केवल आयोटा बचेगा क्योंकि मैंने टू में लास्ट टू नंबर में नहीं, आयोटा क्यूब बचेगा लास्ट टू नंबर में। देखो फोर का एक नियम होता है कि लास्ट दो नंबर में यदि टू का डिवाइड जा रहा है, फोर का भाग जा रहा है, लास्ट टू नंबर में यदि फोर का भाग जा रहा है तो पूरे नंबर में फोर का भाग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन दो में ही भाग देख चेक करना है। यहाँ पे 40, ये वन थ्री फोर है, यहाँ 40 कर दूं तो फोर का डिवाइड हो जाएगा, फोर का डिवाइड हो जाएगा, फालतू तो कितना बचा थ्री, तो डायरेक्ट इसी तरीके से हमें करना है। अब देखना यहाँ वन अपॉन माइनस में है तो नाइन नाइन एट, देखना इसमें देखो जा रहा गया फोर का भाग, और ये चेक करना आप। तो इसी तरीके से ये नंबर है, ये भी हम कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, आयोटा की पावर 19 प्लस वन अपॉन आयोटा की पावर 29 का स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन तो वैसे इजी है, ये क्या है 16 में जाता है लेकिन आयोटा की क्यूब बचेगा, ठीक है, और ऊपर किस में जा रहा है, देखो आयोटा की क्यूब लिख सकता हूं और इसका 29, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा, तो ऊपर पावर क्या है स्क्वायर है का स्क्वायर, तो माइनस टू आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई माइनस टू, तो आप माइनस फोर क्योंकि टू का स्क्वायर तो फोर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। जब भी आयोटा की चार पूर्णांक घात लगातार हो तो वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, आयोटा वन आयोटा स्क्वायर आयोटा की थ्री और आयोटा की फोर यदि लगातार हो तो वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। तो ये देख लो भाई कि आयोटा की चार लगातार पूर्णांकीय घातों का योग क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसको क्रमित रूप में लिखते हैं, क्रमित रूप में मतलब एक्स एंड वाई, जेड इजगल टू क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई है, क्रमित रूप यही है कि इसको क्या करें एक्स इंटू वाई कर दें, तो ये तो पूरा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये क्या है एक्स भी रियल है और वाई भी रियल है, सेट में नहीं करते हैं क्या, सेट बनाते हैं तब, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर। तो ये लो आप, अब देखो इसको क्रमित रूप में आपको कह दे कि वन प्लस टू आयोटा का क्रमित रूप लिखो, तो वन एंड टू लिख दोगे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। आपको कह दिया कि माइनस टू, तो देखो ये हो जाएगा आयोटा रूट टू, तो क्रमित रूप में कैसे लिखोगे जीरो एंड रूट टू,
ठीक है, आपको कह दे वन, ये वी शुद्ध, तो इस वी शुद्ध वास्तविक है, तो जीरो आयोटा कर दो, तो वन एंड जीरो इसके कोऑर्डिनेट भी हो जाएंगे, और हम ज्योमेट्रिक में इसको कोऑर्डिनेट के रूप में डिनोट करेंगे, और ये आपका क्रमित रूप में पेयर हो गया। तो ये मैंने बता दिया कि सी इजगल टू आर इंटू आर इजगल टू आर स्क्वायर हो गया। तो देखो ये तो इजी इजी है, आपको लगभग आता ही है ये सब। अब देखो अपनी आरबीसी बुक में सेम ये दिया हुआ है कि सम्मिश्र संख्याओं की बीज जो बीज ये संकीर्या है वो अपने आरबीसी की बुक में भी है, अपन को क्वेश्चन में भी काम आएंगी, वहां भी यूज करेंगे। तो देखो जेड वन पहली क्या है, जेड वन बराबर यदि जेड टू है तो इसका मतलब ये होगा एक्स वन बराबर एक्स टू होगी एंड वाई वन बराबर वाई टू होगी। यदि ये दोनों होंगी तभी ये संभव होगी, ठीक है। इसका मतलब ये समझो एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन इजगल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अब देखो रियल रियल इक्वल कर दो, एक्स वन इजगल टू एक्स टू, और इमेजनरी इमेजनरी एक पार्ट इक्वल कर दो, ये लो। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का योग। अब सेकंड देखो जेड वन प्लस जेड टू, तो एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, तो रियल रियल ऐड होगा और इमेजनरी इमेजनरी ऐड होगा, तो ये लो भाई। ये क्वेश्चन आते ही हैं आपको लगभग, तो हम डायरेक्ट, अब देखो यहाँ माइनस कर लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस वाली होगी थ्योरम। अब मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल का देखो भाई जेड वन इंटू जेड टू करो, सेकंड गेट में तो लगभग ऐसे ही पूछ लेते हैं मल्टीपल या फिर कुछ, बाकी फर्स्ट गेट में थोड़ा स्टैंडर्ड का बनाते हैं, फर्स्ट गेट में तो वो त्रिभुज का चतुर्भुज का वो भी पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका स्क्वायर रूट का आएगा, जो ट्रिक मैंने बता दी वैसे ही निकालनी है आपको, एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो वो। अब देखो अपने को करना है जेड वन इंटू जेड टू, इसका मतलब एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अब देखो एक्स वन एक्स टू होगी माइनस वाई वन वाई टू, क्योंकि आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइन वाई वन और वाई टू। अब देखो इमेजनरी तो कॉमन लोगे, देखो एक्स टू वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू, आप मल्टीपल करना है और इस तरीके से आप निकालना। अब ये तो मल्टीपल हो गया, अब यदि जेड आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई है तो माइनस जेड करोगे तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप सबको आता ही है लगभग। अब वन अपॉन जेड करना है अपने को, ठीक है। तो देखो एक तो शॉर्ट ट्रिक होती है, यदि आपको पता हो कि जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, वैसे पता ही है अपने को एक्स माइनस आयोटा होगा जेड बार, ये इसका संयुग्मी है, ठीक है। संयुग्मी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अपने को थोड़ा इजी करने के लिए, ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि इसका इजी कैसे करें। वन अपॉन जेड का एक तो वो होता है कि वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई करो, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस आयोटा वाई और फिर वो करो, लेकिन अपन को पता है हम ऐसा क्यों करें, ऊपर जेड बार और नीचे जेड बार कर देते हैं, जेड ऊपर जेड बार नीचे जेड जेड बार। तो देखो ये ऊपर वाला तो x माइनस आयोटा वाई हो गया, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जेड जेड बार इजगल टू मोड जेड का स्क्वायर होता है, तो मोड जेड का स्क्वायर इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो ये आपका वन अपॉन जेड की आ गई, ये लो। अब अलग अलग आप कर लेना, x के अपॉन में ये कर लेना y, तो ये इजी है, ये आप करना, ठीक है। अब जेड वन अपॉन जेड टू इसका भी आप निकालो, तो जेड वन अपॉन जेड टू क्या हो जाएगा, तो जेड वन अपॉन जेड टू एक्स प्लस आयोटा वाई वन और एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर निकल जाएगा एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू, एक्स टू माइनस नीचे वाले की संयुग्मी से करते हैं हम हमेशा, तो
तो ये लो, तो नीचे क्या बन जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर, ये पार्ट प्लस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखना और आपका आंसर मैच हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कर लेता हूं और बाद में आप कर लेना। जेड वन इजल टू क्या है, थ्री माइनस टू आयोटा, और जेड टू इजल टू माइनस वन प्लस आयोटा। मैंने माइनस वन पहले लिख दिया और आयोटा बाद में लिख दिया। अब देखो जेड वन प्लस जेड टू, देखो इसको करो, ये दोनों ऐड होते हैं, प्लस है तो ऐड करोगे तो टू हो जाएगा, थ्री माइनस वन और ये माइनस आयोटा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन करना उसी तरीके से, ठीक है। अब एक थ्योरम और है जो क्वेश्चन पूछने लायक है। देखो एक तो क्या होता है कि अपने पास दे दे कि माइनस ए माइनस बी, अपन क्या करते हैं रूट में पूरा लेके और ए बी कर देते हैं, जो सरासर गलत है। ये ऐसा नहीं होगा, इसको लिखना पड़ेगा आपका आयोटा रूट ए और आयोटा रूट बी। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, माइनस ए एंड बी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि रूट में वैसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको पहले इमेजनरी है और ये भी सम्मिश्र संख्या, ये भी और ये भी सम्मिश्र संख्या है, मतलब ये काल्पनिक नंबर है। रूट रूट में मैंने प्रांत में परिसर में वहां बताया कि हम रूट में माइनस नहीं लेते, इसी कारण नहीं लेते हम। तो ये आपका हो गया। देखो नेक्स्ट पार्ट, अब देखो क्रम विनिमेय सहचर्य। अब आपको पता है कि क्रम विनिमेय क्या होता है भाई, पहले हम क्रम विनिमेय देख लेते हैं यहाँ डायरेक्ट ही, कि जब जेड वन प्लस जेड टू, तो जेड टू प्लस जेड वन हो जाए तो ये क्रम विनिमेय होता है, हम ग्रेजुएशन में खूब पढ़ते हैं ये। तो इसकी देखो चेंज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू आयोटा वाई वन प्लस वाई टू। अब देखो इसको चेंज करो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस आयोटा वाई टू प्लस वाई वन, तो ये तो क्या हो जाएगा, जेड टू प्लस जेड वन हो जाएगा आपका। तो इस तरीके सहचर्य भी होता है भाई, जेड वन प्लस टू में तो क्रम विनिमेय लेते हैं भाई, इनका क्रम चेंज करते हैं, सहचर्य थ्री में होता है ये लो। तो ये योग के लिए, और उसके बाद में हम गुणन के लिए भी पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा जेड वन जेड टू प्लस जेड थ्री, मतलब पहले इन दोनों को जोड़ो और फिर इसको जोड़ोगे, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इसको जोड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये योग है, तो योग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो योग के लिए तत्समक क्या होगा, तो योग के लिए तत्समक हमेशा जीरो ही होता है, योग के लिए तत्समक हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका भी जीरो होगा, जेड वन प्लस जीरो, वो जेड वन प्लस जीरो इजगल टू जेड वन। तत्समक का मतलब होता है कि तत्समक एक ऐसी संख्या होती है कि पूरे उसमें यदि योग करें उसका तो इसमें फर्क नहीं पड़े। जैसे ग्रेजुएशन में हम क्या करते हैं, ए प्लस जीरो इजगल टू ए, तो इसमें जीरो क्या है, इसका तत्समक है। गुणन के लिए क्या होता है, वन होता है, क्योंकि ए इंटू वन इजगल टू ए, यदि इसमें जीरो कर दोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन गुणन के लिए क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये आपका योग के लिए, योग के लिए प्रतिलोम क्या होगा भाई, ए के लिए हम ग्रेजुएशन में लेते हैं, ए के लिए तत्समक आना चाहिए आगे, तत्समक अपना जीरो है भाई, कुछ भी हो आगे क्या आना चाहिए, तत्समक आना चाहिए। तो ये लो आपका ए, तो इसका मतलब जेड का तत्समक क्या हो जाएगा, माइनस जेड इजगल टू जीरो, ठीक है। तो ये योज्य तत्समक हो गया, अब गुणन के लिए यदि करोगे तो जेड का तत्समक क्या हो जाएगा, यदि गुणन के लिए यदि हम करें तो वन अपॉन जेड होगा, क्योंकि ए का हम क्या करते हैं, वन ए इनवर्स करते हैं, मतलब वन अपॉन ए, इसमें साथ में ही क्या है कि गुणन का भी साथ में ही दे दिया, तो जेड का गुणन के लिए क्या होगा, वन अपॉन जेड। वन अपॉन जेड का मतलब मैंने बताया जेड बार ऊपर भी बार एक्स माइनस आइटा वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, मोड जेड का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसका तत्समक हो जाएगा गुणन के लिए। अब देखो निसंलयन नियम इसमें लागू होता है, तो जेड वन प्लस जेड टू हो और जेड वन प्लस जेड थ्री हो, तो ये जेड टू इजगल टू जेड थ्री,
थ्री लागू होगा। ये सारा ग्रेजुएशन बंटन नियम मतलब मल्टीपल के लिए लागू होता है। जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू जेड टू प्लस जेड थ्री जेड वन, ये बंटन नियम है। तो ये भी सम्मिश्र में लागू होगा। ये चीजें समझने के लिए इतनी है नहीं, क्योंकि ये सभी को अपने को आती भी है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। थ्योरी लगभग हमें पढ़ी हुई है एक तो। अब देखो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन दे दिया। देखो एक्स इजगल टू जेड इजगल टू एक्स प्लस आइटा वाई है। अब ज्योमेट्रिक का मतलब होता है कि ये एक्स एक्स होगी और ये वाई एक्स होगी, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्स पे बिलोंग करेगा। देखो यहां तो इसका मतलब ये क्या होगी, वास्तविक एक्स, और ये क्या होगी, काल्पनिक, ये क्या होगी, काल्पनिक एक्स होगी। अब इसमें मान लो कोई भी एक मान लो वन प्लस थ्री आयोटा है, तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वन एंड थ्री हो जाएंगे। तो वन एंड थ्री यहां पे आएगा, तो इसका पॉइंट ये हो जाएगा वन एंड थ्री का। तो ये पूरे इस जो पूरे प्लेन को क्या कहते हैं, आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं। वन इस पे होगा और थ्री इस पे होगा, तो ये देखो ये आपका पॉइंट बन गया, सेम टू डी की तरह ही है। और इसे हम सम्मिश्र तल भी कहते हैं, सम्मिश्र समतल भी कहते हैं। अब मान लो एक है आयोटा ही, तो आयोटा का मतलब है जीरो प्लस आयोटा, तो क्या बन गया, जीरो और वन। तो जीरो वन कहां पे होगा, यहां पे मान लो जीरो एंड वन। एक मान लो टू है, तो टू कहां पे होगा, टू प्लस जीरो आयोटा, तो टू यहां पे हो जाएगा, क्योंकि वन तो यहां है तो टू यहां पे होगा, तो इसका टू पॉइंट इस पे यहां पे हो जाएगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे। ये तो इजी है सारा पार्ट। अब देखो इसका सदिश निरूपण, एक्चुअली सदिश का पार्ट हम सदिश में करेंगे जस्ट इसके बाद में, लेकिन थोड़ा मैं बता देता हूं कि ये ट्रायंगल के रूप में आएगा। तो z इजगल टू क्या है, x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, नहीं x प्लस z इजगल टू x प्लस आयोटा वाई है। अब अपने को क्या करना है, सदिश में निरूपण करना है इसको। तो बनाओ भाई, ये क्या हो जाएगा, ये मान लो जेड का हो जाएगा, ये तो जीरो, ये एंगल बनाएगा थीटा, थीटा के बारे में जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जेड जो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका सदिश में निरूपण करते हैं कि नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं, दो एक तो जेड वन ले लेते हैं और एक जेड टू ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये चलेगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जेड वन प्लस जेड टू। अब होगा क्यों, देखो सदिश में हम क्या करते हैं, ट्रेंगल नियम क्या होता है भाई, देखो ये मान लो ट्रेंगल नियम है, ये इधर है और ये भी इधर है, ये वापिस है, तो ये मान लो जेड वन है और ये जेड टू है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का तीर एक सीध में है और इसका सामने तीर है, तो ये दोनों का योग ही तो है, दोनों का मुकाबला कर रहा है इसका मतलब, इसमें क्या है, दोनों की पावर है। तो इसमें भी देखो भाई, ये देखो Z2 के समांतर में लाइन खींच दी मैंने, Z2 के समांतर मैंने लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गया, Z1 माइनस Z2। अब इसके विपरीत देखो यहाँ पे, तो ये तो Z1 है ही, ये फिर Z2 के मैंने समांतर लाइन खींची है भाई, ये रही समांतर मान के चलो आप, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, Z2 के विपरीत होगी, Z2 के समांतर तो है ये, लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत, इसका मतलब ये माइनस जेड टू की होगी, तो माइनस जेड टू और ये आपका जेड वन है, तो ये वापिस क्या हो जाएगा, जेड वन माइनस जेड टू। तो इसका हम इस प्रकार से सदिश में निरूपण करते हैं, और सदिश में हम ट्रेंगल नियम पढ़ेंगे तब और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप ये ट्रेंगल नियम देख लो, ये जेड वन है और ये जेड टू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जेड वन के पैरेलल लाइन खींच दी इसने,
तो जेड वन के पैरेलल लाइन खींच दी, तो ये जेड वन प्लस जेड टू हो जाएगा। ये जेड टू के पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत डायरेक्शन है। इसका मतलब जेड वन तो जेड वन ही रहेगा लेकिन जेड टू की जगह माइनस जेड टू एड हो जाएगा। तो ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखो, ये आपका सदिश निरूपण, इसमें कोई ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। अब संयुग्मी देखते हैं, संयुग्मी कैसे आती है। एक्चुअली हमें पता है x प्लस आयोटा वाई की संयुग्मी क्या होती है, z बार x माइनस आयोटा वाई होता है। लेकिन इसका निरूपण देखते हैं, सदिश निरूपण या इसकी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। देखो x प्लस आयोटा वाई हमें पता है दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें आएंगे x एंड y कोऑर्डिनेट, ये एंगल थीटा बनाएगा। इसकी संयुग्मी क्या होगी, नीचे की ओर माइनस थीटा एंगल बनाएगी। एंगल तो सेम होगा, डायरेक्शन एंगल की नेगेटिव में होगी, वो इसकी संयुग्मी होगी। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स और माइनस वाई। तो इसको लिखोगे एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो टू प्लस आयोटा की संयुग्मी क्या हो जाएगी, टू माइनस आयोटा। टू की संयुग्मी टू प्लस जीरो आयोटा करो, टू माइनस जीरो आयोटा, मतलब टू की संयुग्मी टू ही रहेगी, ठीक है भाई। रियल की संयुग्मी रियल ही रहेगी, इमेजनरी की संयुग्मी माइनस हो जाएगी। अब देखो थ्री की क्या होगी, संयुग्मी थ्री रहेगी, ये रही थ्री आपकी। अब देखो जेड इज्वल टू टू आयोटा है, इसकी संयुग्मी जेड को लिखो जीरो प्लस टू आयोटा, तो जेड इज्वल टू माइनस टू आयोटा। मतलब यदि आपके इमेजनरी है तो वो माइनस जेड बन जाएगी। तो ये तो जेड ही माइनस, इसको हम जेड लिख सकते हैं, तो माइनस जेड बन गई आपकी। तो मतलब यदि रियल तो जेड का जेड ही रहेगी संयुग्मी, लेकिन ये यदि इमेजनरी है तो वो माइनस जेड बन जाएगी। भाई मान लो जेड, इसको ग्राफ में भी निरूपित करते हैं कि इसकी संयुग्मी तो यही रहेगी यहीं पे, लेकिन यदि ये है आपके पास, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो टू, तो इमेजनरी ये काल्पनिक एक्स है, तो टू आयोटा तो यहीं होगा टू पे, तो इसकी क्या हो जाएगी, माइनस टू आयोटा हो जाएगी, माइनस टू आयोटा, मतलब माइनस टू पे इसकी इमेजनरी होगी। जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये बनाएगा, मतलब ये इधर पाई बाई टू बना रहा है तो इधर ये माइनस पाई बाई टू बनाएगी। तो मैं बता दिया कि थीटा बराबर बनाती है लेकिन विपरीत बनाती है, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, विपरीत है। मान लो ये पाई बाई टू बनाएगी तो ये माइनस पाई बाई टू। इन दोनों के बीच का देखो एक, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संयुग्मी और उसके एक सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी के बीच का एंगल क्या होगा। मतलब एक तो सम्मिश्र संख्या जेड और उसके, मतलब सम्मिश्र संख्या है केवल मान लो जेड इजगल टू ए आयोटा एवं उसकी संयुग्मी माइनस ए आयोटा, इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई, पाई होगा। ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये आपके संयुग्मी की थ्योरम है। तो संयुग्मी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट आगे, अब देखो संयुग्मी के कुछ गुणधर्म है। संयुग्मी की एक खासियत है कि यदि रियल हो, तो मैंने बता दिया कि जैसे जेड इजगल टू टू ही हो तो इसकी संयुग्मी और खुद बराबर ही होती है, मतलब दोनों ही टू होंगी, ठीक है। मान लो इमेजनरी हो, जेड इजगल टू टू आयोटा हो, तो इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी, इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी, माइनस टू आयोटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जेड। इसका मतलब संयुग्मी यदि इमेजनरी हो तो माइनस जेड। तो ये आपको सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। संयुग्मी का संयुग्मी खुद वो संख्या ही हो जाती है, ये आपको पता ही है कि एक्स प्लस आयोटा वाई का संयुग्मी क्या हो जाएगी, एक्स माइनस आयोटा वाई, चिन्ह ही तो चेंज होता है। फिर इसका संयुग्मी लेना है तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा वापिस। तो ये आपका हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब देखो खुद संयुग्मी और उस खुद को जोड़ना है तो आपको रियल संख्या प्राप्त होगी। मान लो एक तो जेड आपके एक्स प्लस आयोटा वाई,
इसकी संयुग्मी है एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इन दोनों को जोड़ो भाई, जोड़ो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये तो कट जाएगा, इसका मतलब टू रियल जेड। रियल पार्ट तो एक्स ही है, टू इंटू रियल पार्ट बच जाएगा। इसी प्रकार जेड माइनस जेड बार करोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा वाई, एक्स से एक्स कट जाएगा, इसका मतलब टू इमेजनरी और जेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये मैंने बता ही दिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई, ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लो देखो, जेड अपॉन जेड बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मैंने बता ही दिया ये तो, ठीक है भाई। ऊपर क्या करोगे आप, जेड से ही मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे भी जेड, तो ऊपर तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जेड बार का स्क्वायर होगा। इसमें जेड से मल्टीप्लाई करा है, आप संयुग्मी से मत कर देना भाई, ये ध्यान रख लेना। अब यदि इसके समीशन या इसके योग का संयुग्मी निकालोगे, देखो जेड वन प्लस जेड टू का योग करोगे तो जेड वन प्लस जेड टू हो जाएगी, और जेड वन माइनस जेड टू का करोगे तो जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मल्टीपल में लागू होगा और इसी प्रकार डिवाइड में लागू होगा, और इसी प्रकार आपका डिवाइड में लागू हो जाएगा, और इसी प्रकार आपके इनवर्स और पावर एन में लागू हो जाएगा। तो पावर एन है, ये इनवर्स है, तो ये ध्यान रख लेना कि जब भी खुद संख्या और उसकी संयुग्मी को यदि जोड़ते हैं और उसके इक्वल यदि जीरो आ जाए, मान ले जोड़ते हैं तो ये तो पता है कि क्या होगा, मान लो जेड प्लस जेड बार क्या आएगा, टू इंटू रियल आएगा, ये हमने निकाल दिया, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, इसका मतलब रियल पार्ट क्या आ गया आपका, जीरो आ गया, रियल पार्ट ही जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, रियल पार्ट जीरो होता है, इसका मतलब केवल काल्पनिक ही बचा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अब जेड माइनस जेड बार इजगल टू अपने को पता है इमेजनरी पार्ट होता है, अब इमेजनरी पार्ट यदि जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या बचा, वी शुद्ध काल्पनिक ही बचा, वी शुद्ध वास्तविक ही बचा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट तो क्या हो गया, इसको जीरो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखना, अब देखो इसका मापांक लेते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, मोड जेड लेते हैं तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेंगे, ठीक है। एक्स क्या है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और ये लो रूट थ्री माइनस फोर आयोटा है, इसका निकालो, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर इजगल टू फाइव, केवल फाइव, मतलब फाइव का क्या हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर इजगल टू फाइव। अब ध्यान से देखना, यदि केवल फाइव दे दे तो इसका फाइव ही होगा, ठीक है। मान लो माइनस टू आयोटा दे दे तो आयोटा तो चली जाएगी, केवल इसका टू होगा, ठीक है। और मापांक हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रख लेना, मापांक हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। अब चीज है समझने लायक, यहां पे अभी तक ये प्रश्नावली समझने लायक नहीं स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये चीजें सभी को आती भी है। अब देखना, आपके पास आपको निकालना है केवल रियल का, ठीक है। तो इसको दो भागों में तोड़ोगे, एक तो मोड क्या होगा, एक तो इसका और एक इसका, ए क्या होगा ये हमें पता है, और ये जीरो से छोटा, भाई पॉजिटिव कब होगा, जीरो से बड़ा, नेगेटिव कब होगा, ये मोड मोड एक्स देखा होगा आपको, तो सेम वही तो नंबर है। इसी प्रकार ए आयोटा है, इसमें इक्वल मान लो ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए जीरो से बड़ा और माइनस ए जीरो से छोटा, ए का लेना है क्योंकि ए यहाँ पे रियल नंबर है,
जैसे टू आयोटा, तो टू तो वैसे भी रियल ही तो है, तो टू मोड बनेगा, तो टू ये जीरो से बड़ा है और माइनस टू मतलब टू से छोटा है तब, तो ये देखना आप। अब है एक मापांकी, आप एक मापांकी का मतलब होता है कि जिनका मापांक एक आए। सोचो एक नंबर लेते हैं हम, वन बाई फोर एंड नहीं वन बाई फोर नहीं वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू की आयोटा, तो इसका मापांक क्या आएगा भाई, वन अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर इजगल टू वन ही आ रहा है। एक मापांकी का मतलब होता है जिसका मापांकी एक हो। अब मापांक एक हमेशा किसका होगा, दो चीजों को ध्यान रखना, जेड अपॉन जेड इसका मापांक हमेशा एक होगा। अब क्यों होगा, देखो इसका तो क्या होगा, वाई स्क्वायर ये लो और नीचे वाली का भी ये लो, आप कट के क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी भाई। ऊपर वाली क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, नीचे वाली एक्स माइनस आयोटा वाई है। मापांक में तो रियल और इनका स्क्वायर लेते हैं, तो ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका मापांक निकालते हैं, हालांकि मोड जेड है, मोड जेड इज टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही याद रखना आप। अब मापांक के कुछ गुणधर्म भी हैं। अब आपको बता दिया कि मापांक हमेशा एक तो पॉजिटिव होता है, मोड जेड होगा वो हमेशा एक तो पॉजिटिव होगा और रियल होगा, ये चीज ध्यान रखना। एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा इसमें रियल पार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका तो रियल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। मोड जेड इमेजिनरी से भी बड़ा होगा और रियल से भी बड़ा होगा, इसका मतलब इसका मापांक है जो इमेजिनरी से भी, जो मोड जेड है वो रियल पार रियल जेड और इमेजिनरी जेड दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। मोड जेड है जो इसके मापांक और इसके मापांक से बड़ा होगा, क्योंकि मोड जेड क्या प्राप्त हो, इन दोनों के योग ही तो, मापांकों का योग ही तो प्राप्त होता है। अब देखो मोड जेड माइनस मोड जेड जेड बार इनका एक ये लो जेड, इनका मापांक हमेशा इक्वल होता है, वो क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। अब देखो क्यों, ये तो अपने को पता ही है, माइनस जेड क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, इसको क्या लिखोगे भाई, इसका मापांक निकाल लोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, जेड बार को, ये जेड की संयुग्मी है, तो इसका निकालो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब जेड आयोटा निकालो, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, इसका मापांक देखो, इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल और इसका भी इक्वल आ रहा है। अब इसमें ट्रेंगल की जो थ्योरम है, वो दो थ्योरम काम आएंगी यहाँ, हम वैसे सदिश में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो काम आ रही है उसको हम देख लेते हैं। अब देखो ट्रेंगल हमें पहली बात तो ये बनाया था उसमें कि ये मान लो जेड वन है और ये आपका जेड टू है, तो ये क्या बनेगा भाई, जेड वन प्लस जेड टू बनेगा। तो ये जेड एक समांतर खींच दो, ये जेड टू बन जाएगा, तो जेड वन प्लस जेड टू हो गया आपका। तो एक डायरेक्शन तो आपकी ये हो गई जेड वन, दूसरी ये और तीसरी भुजा जेड टू हो गई। अब त्रिभुज का तो एक नियम, दो नियम है दोनों, देखो कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और दूसरा नियम है दो भुजाओं का अंतर
तीसरी भुजा से छोटा होता है। छोटा होता है, ठीक है। ट्रायंगल की एक भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है, ठीक है। तीनों भुजा आपके पास आ गई, मतलब इन दोनों का योग तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब क्या आ गई, पहली समीकरण, ठीक है। दूसरा देखो, एक यहां और बनाओ, ये जेड वन माइनस जेड टू थी, क्योंकि जेड टू को नीचे लेके आऊंगा, जेड टू ही बनेगा लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगी। तो एक भुजा ये भी हो सकती है आपकी, तो इसका मतलब जेड वन प्लस जेड टू योग क्या होगा, बड़ा। ये तीसरी भुजा है आपकी, ये दोनों, ये तो ये ट्रेंगल है और ये ट्रेंगल है, तो ऊपर वाले ट्रेंगल में तो ये ऊपर वाली समीकरण काम आएगी, नीचे वाले में नीचे वाली समीकरण काम आएगी। ये तीसरी भुजा है दोनों, और इन दोनों का योग हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा, तो दूसरी समीकरण भी होगी। अब दूसरा क्या कह रहा है, दो भुजाओं का अंतर है जो तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो देखो इनका अंतर लो, जेड वन माइनस जेड टू तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये लो जेड वन प्लस जेड टू, और दूसरी ये दो भुजा जेड टू तीसरी भुजा, इसमें क्या है, जेड टू, ठीक है। जेड वन माइनस जेड टू छोटी होगी ये, क्योंकि अंतर है दो भुजाओं का, और तीसरी भुजा क्या है, जेड वन प्लस जेड टू है, इसमें भी अंतर वाली समीकरण लागू हो रही है। जेड वन माइनस जेड टू क्या होगी, इससे छोटी। तो ये त्रिभुज का दो नियम है, तो एक नियम तो आपको पता ही है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये तो हम ज़्यादातर पढ़ लिया। ये क्वेश्चन हम कम ही पढ़ते हैं कि दो भुजाओं का जब अंतर है ना, वो तीसरी भुजा से छोटा होगा दो भुजाओं। अब मान लो एक ट्रेंगल ही मान लो अपना फेमस 3 और 4 है। अब देखो इन दोनों का योग तीसरी से बड़ा हो रहा है, दोनों का योग 7 हो रहा है, तो तीसरी भुजा क्या है, 5 ही है, तो बड़ा हो रहा है। यदि बड़ा नहीं होगा ट्रेंगल नहीं बनेगा, ये ध्यान रख लेना। अब इन दोनों का अंतर क्या है भाई, इन दोनों का अंतर तो 1 है, तो ये 5 से छोटा है या बड़ा, छोटा है ना, इसका मतलब अंतर हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से, योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इन चीज को आप गौर करना। तो ये आपकी समीकरण त्रिभुज की वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहां पे। अब देखो कोणांक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये कोणांक निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आरपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी, पहले तो मैं बता देता हूं कि इसका कोणांक होगा पाई से, मुख्य मान बता रहा हूं मैं, थीटा पाई तक। ये चीज को आप याद कर लेना। अब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, देखो मैं लिख रहा हूं आपको ऑप्शन पाई बी, ऑप्शन क्या होगा, माइनस पाई थीटा और पाई, ठीक है। सी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और डी 0 से 2 थीटा। अब बताओ कौन सा सही है, केवल केवल ये सही है। देखो ये तो कोणा मैन किस में होता है, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो हम प्रांत में मुख्य मान लेते हैं, ये तो ये भी नहीं होगा। अब लड़ाई मचेगी इन दोनों में, देखो इक्वल इसके नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा कि इसमें यहाँ इक्वल दे दिया, तो आपको आंसर मैच करना भाई। इस तरीके से नज़दीकी क्वेश्चन पूछेंगे, यदि इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो मतलब यहाँ इक्वल नहीं है, तो ये आंसर मतलब कभी भी थीटा माइनस पाई के इक्वल नहीं होता। ये चीज़ तो है एग्जाम में पूछने के लायक, आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछते हैं। तो अब देखो कोणांक कैसे निकालते हैं वो देख लो आप पहले। तो वैसे हमने 2D में निकाल रखा है और 2D में निकालेंगे भी। देखो ये तो अपना होता है थीटा, ये केवल थीटा की वैल्यू ही अपने को निकालनी है। ये P मान लो P जेड इजगल टू एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, देखो इसको कोणांक मैं पहले पूरा निकाल के ही बता देता हूं। तो ये क्या हो जाता है, एक्स इजगल टू क्या हो गया, ये तो x का पार्ट होगा यहां तक, और ये पार्ट y का होगा, x इजगल टू आर कोस थीटा और y इजगल टू आर साइन थीटा।
ये हम आगे करने वाले हैं, इसको प्रूफ भी मैं करके बताऊंगा, लेकिन यहां केवल कोणांक देखना है अपने को, बाकी आगे मैं प्रूफ करके पूरा बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कोणांक टेन थीटा निकालोगे इससे, वो आएगा वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये चीज को गौर करना, ठीक है, ध्यान से देखना कि कोणांक ये होगा ये आपका। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये मुख्य मान कहते हैं, ये इस पर भी गौर करना, जब भी आप थीटा की वैल्यू आए उसमें से टू पाई घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, पाई से ज्यादा हो, जैसे यहां पे मान लो कोई हो पाई प्लस थीटा हो, इसमें से टू पाई घटा देना, पाई से अधिक होना चाहिए, ये ध्यान रखो, पाई प्लस थीटा माइनस टू पाई, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई। हालांकि ये मैं पूरी आगे बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा देख लो, पूरा आगे आएगा पूरा एकदम विस्तार से। लेकिन यहाँ पे इजगल टू टेन को कैसे निकालते हैं, थीटा इजगल टू टेन, थीटा इजगल टू वाई अपॉन एक्स होगा, और थीटा इजगल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, रियल नंबर है, मान लो केवल आपके पास रियल नंबर का निकालना है, जेड इजगल टू रियल नंबर दे दिया मान लो, ठीक है, तो रियल नंबर इस पर होगी, या तो इसी लाइन पे, ये रियल एक्स एक्स है तो ये इस पर होगी रियल, गौर से समझना, इसमें एंगल दो आएंगे, मान लो इस एक्स एक्स से एंगल क्या होता है, एक्स एक्स से होता है थीटा, क्या होता है भाई, एक्स एक्स से लेते हैं ये थीटा की वैल्यू होती है, यदि जेड इजगल टू केवल टू ही है मान लो, तो ये रियल है, रियल टू तो यहां पर होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यदि रियल पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू जीरो, मतलब इस पे गौर करना, यदि रियल पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू जीरो होगी। तो ये कह रहा है देखो, आर रियल, ए क्या है, रियल में है, रियल हमेशा पॉजिटिव है मतलब जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इस लाइन पर होगा, इस लाइन से ही हम एंगल नापते हैं, तो इस लाइन पर एंगल नापते हैं तो वो जीरो ही आएगा। अब देखना भाई, यदि रियल माइनस में हो तब देखना, यदि रियल क्या हो, माइनस में हो, दूसरी कंडीशन क्या है, रियल क्या हो, जीरो से कम हो, मान लो रियल जेड इजगल टू माइनस टू हो, माइनस टू किस पे आएगा, इस पे आएगा, ठीक है, इस लाइन पे आएगा माइनस टू, इस लाइन पे आएगा, इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा पाई, इसी से ही नापेंगे, यहां तक नापेंगे, पूरा क्या हो जाएगा, पाई, इसका मतलब रियल यदि जीरो से छोटा हो तो पाई होगा। तो अब गौर से देखना, यदि रियल पॉजिटिव हो तो एंगल जीरो होगा, रियल यदि नेगेटिव में हो तो एंगल क्या होगा, पाई होगा, इसको गौर करना, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चनों में आगे आएगा। तो ये नापेंगे एंगल। अब देखो इमेजिनरी पार्ट को देखो, अब आपके पास इसको देखो, ए आयोटा है, मैं कहता हूं पाई बाई टू, केवल इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूं, अब देखना यहां पे, ये तो रियल पार्ट था, इमेजिनरी कौन सा है, ये पार्ट है अपना, तो अब बात करेंगे इसकी, ये जीरो है, ठीक है, एंगल हमेशा इसी से ही नापेंगे, मान लो जेड इजगल टू टू आयोटा है, तो टू कहां पे होगा, यहां पे होगा टू, तो एंगल क्या हो जाएगा, देखो यहां से पाई बाई टू, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, यदि पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट यदि पॉजिटिव है तो एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, ठीक है। अब यदि जेड इजगल टू माइनस टू आयोटा है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट यदि नेगेटिव है माइनस टू पे, तो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, देखो इसको टू पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकते, या फिर थ्री पाई बाई टू नहीं लिख सकते, थ्री पाई बाई टू का मतलब क्या होता है, थ्री पाई बाई टू का मतलब पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है, थ्री पाई बाई टू इसको यहां पर नहीं लिख सकते, ये गौर करना, क्योंकि पाई से बड़ी संख्या है ये,
और अपना जो मुख्य मान कहाँ लेना है, थीटा की वैल्यू ये बराबर हटाओ पाई के बीच में लेना है, इसका मतलब ये माइनस पाई बाई टू होगा। तो गौर करना, यदि रियल पार्ट पॉजिटिव हो तो एंगल जीरो होगा, क्योंकि वो इसी लाइन पे होगा। यदि रियल पार्ट पॉजिटिव हो तो वो इस लाइन पे होगा, तो वो एंगल जीरो होगा। यदि रियल पार्ट नेगेटिव हो तो इस लाइन पे होगा, एंगल पूरा पाई होगा। यदि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो ये एंगल कितना हो जाएगी, पाई बाई टू। यदि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो तो ये एंगल क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। तो ये इस पे गौर करना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि सेकंड ग्रेड वगैरह में तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि टू पे एंगल क्या बनाएगा, जेड इजगल टू टू या फिर जेड इजगल टू ए। तो इसमें तो केवल पॉजिटिव दिया है और रियल। अब आप क्या करोगे, देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, अब आपको दे दिया, मैंने कह दिया थीटा इनवर्स टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब आपको मैं दे दिया जेड इजगल टू माइनस टू, क्या एंगल बनाएगा। अब आप क्या करेगा, जीरो प्लस आयटा करोगे, फिर टेन इनवर्स जीरो अपॉन माइनस टू, तो टेन इनवर्स जीरो करोगे, टेन इनवर्स जीरो करते ही आप जीरो आ जाएगा। तो आप एंगल पे किस पे टिक मारोगे, ए ऑप्शन मान लो जीरो ही होगा, बी ऑप्शन पाई होगा, सी पाई बाई टू होगा, और डी ऑप्शन माइनस पाई बाई टू होगा। तो आप जीरो आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप जीरो टिक मारोगे, जो आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है। मैंने पूरा एकदम ग्राफ से बताया है कि ये नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो ये एंगल पूरा बनाएगा यहाँ, ठीक है, पाई बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई। ये आंसर किसका होगा, पॉजिटिव पार्ट का, ये नेगेटिव पार्ट का। ये आंसर किसका होगा, ये देखो डायग्राम यहाँ पे होगा टू, तो ये एंगल कितना बनाएगा, पाई बाई टू, जेड इजगल टू टू आयोटा, और ये जेड इजगल टू माइनस टू आयोटा का। तो ये इस तरीके से आपको समझते चलो एक एक चीज। नेक्स्ट देखो, अब ये तो हमने कर लिया है, अब कोणांक ज्ञात करने की विधि, कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें सारा हम पढ़ने वाले हैं। अब देखना, तो ये तो हमने देखो, अब कोणांक ये तो हमने पढ़ लिया, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें कोणांक, जैसे आपको दे दिया वन प्लस आयोटा रूट थ्री, कोणांक क्या होगा, ठीक है, इसका निकालो। वन माइनस आयोटा रूट थ्री, इसका कोणांक क्या होगा। तो इस तरीके से जो निकालेंगे वो देखेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले तो ग्राफ को देखो आप, यदि इधर होगा तो आपको पता है ये थीटा बनेगा, ठीक है, ये आपको सबको पता है। दूसरा, ये मान लो इधर होगा तो आपको पता है ये क्या है, पूरा तो पाई है, ये मान लो थीटा बन गया, तो ये एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। अब थर्ड, ये यहां पे समझने लायक है, ये क्या बन गया, थीटा। चीज को गौर से समझना, ये क्या बनेगा, टू पाई माइनस कुछ मत कर देना, माइनस पाई माइनस थीटा, और ये देख लो ये ऊपर थीटा है, तो ये क्या बनेगा, माइनस थीटा। ये चीज को गौर से समझना। अब मैं आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं कि ये एंगल किस तरीके से होंगे। मान लो ये इस पे थीटा बनेगा, इस पे पाई माइनस थीटा बनेगा, इसमें जो होगा वो इसका उल्टा बनेगा, माइनस थीटा, इसका उल्टा इसमें बनेगा, पाई माइनस थीटा। देखो माइनस का चिन्ह लगेगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थीटा का माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का माइनस बार पाई माइनस थीटा। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन से चतुर्थांश में नंबर है, कौन से में नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं। चार नंबर देखते हैं, तो ये देखो,
एक तो है 1 + iota√3, एक है 1 - iota√3, एक है -1 - iota√3, एक -1 + iota√3 है। अब देखो पहला कौन से चतुर्थांश में होगा, ए इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 और 3, क्यों दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्स का तो नेगेटिव होगा वाई की पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्स का भी नेगेटिव वाई का भी नेगेटिव, यहाँ पे वाई का एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव। बी पार्ट कहाँ पे होगा, देखो यहाँ 1 था, इसका मतलब वाई का तो नेगेटिव एक्स का पॉजिटिव, बी पॉइंट यहाँ पे होगा। तो ये डिनोट करना हमने पीछे देख लिया है, लेकिन दोबारा देख लो, ये दोनों माइनस हैं तो ये इसमें होगा सी पोर्शन, -1 - √3, और ये पोर्शन डी पोर्शन किस में होगा, इसमें -1 और √3 आपका हो जाएगा। अब देखो कोणांक ज्ञात करने की महत्वपूर्ण विधियाँ, जो भी विधि है वो अब यूज करेंगे हम। ये चीज़ तो आपको पता चली गई, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये जो एंगल था ये मैंने बता दिया समझा के कि इसका उल्टा है, ये थीटा है तो ये -थीटा होगा, ये पाई -थीटा होगा तो ये -π - थीटा होगा, ये चिन्ह मैंने बता दिया, ये ग्राफ मैंने बता दिया। अब देखो एंगल निकालते हैं कैसे, आपको चारों चतुर्थांशों में पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो थीटा होता है, यहाँ पे क्या होता है थीटा होता है, यहाँ -थीटा होता है, यहाँ π - थीटा होता है और यहाँ π - थीटा होता है। इसका मतलब यदि आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाए तो आप क्या निकाल सकते हो चतुर्थांश, थीटा देखो यहाँ पे निकालने के लिए हम करेंगे mod y/x, मतलब यदि नेगेटिव आ रहा है तो हमें नेगेटिव का ध्यान नहीं देना, हालांकि नेगेटिव से हम निकाल सकते हैं लेकिन नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है, इस बात पे आप गौर करना क्योंकि इसमें यहाँ शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होगी। अब देखना मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने क्या बोला है कि यदि थीटा आपके पास है तो टेन इनवर्स हमेशा पॉजिटिव में ही लोगे, ये इसका मतलब चार पार्ट लो, 1 + iota√3, 1 + -1 iota√3, -1 - iota√3, -1 + 1 - iota√3। अब देखो इसका थीटा निकालो, हमें थीटा निकालना है केवल पॉजिटिव में, इसका मतलब यदि इसमें नेगेटिव है तो आपको ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना इसको, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत फास्ट निकलेगा बाद में। वाई की वैल्यू √3/1, तो ये क्या हो जाएगा π/3, ठीक है। ये ए पार्ट, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, तो ए का थीटा बी का थीटा भी क्या होगा टेन इनवर्स, आपको ध्यान नहीं देना है माइनस पे, √3/1 करो आप तो सीधा π/3। सी थीटा इज इक्वल टू √3/1 π/3, माइनस है तो है, अपने को केवल पॉजिटिव लेना है। डी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √3 - 1, क्या हो गया -π/3, ये भी 3 हो गया। अब देखो थीटा की वैल्यू तो आपकी π/3 आ गई सभी में, लेकिन अब कोऑर्डिनेट देखना आप, फर्स्ट ए पॉइंट यहां होगा, यहां क्या होता है ओनली थीटा होता है, इसका मतलब π/3 होगा ये एंगल। बी पॉइंट कहां होगा, देखो एक्स का माइनस वाई का पॉजिटिव ये यहां पे होगा, यहां पे क्या होगा भाई π - थीटा, इसका मतलब π - π/3 तो 2π/3 हो जाएगा। थर्ड नंबर देखना सी कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है π - थीटा, गौर से देखना, माइनस का माइनस 2π/3, देखो π - थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है π/3 है। अब देखना डी पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -थीटा, -थीटा का मतलब -π/3। इस तरीके से आपको एंगल निकालना है, इस तरीके से आपको एंगल निकालना है।
अब देखो आगे जो भी देंगे ये चारों तो हमने निकालनी है। देखो ये पाई बाई थ्री हमने निकाल लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में माइनस पाई बाई थ्री ये भी निकाल लिया, फोर्थ का टू पाई बाई थ्री और माइनस टू पाई बाई थ्री, इसी तरीके से हमने को निकालना है। दोबारा देख लो एक बार, आपके पास है आयोटा रूट थ्री, इसका थीटा आपको डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देना, क्या है डायरेक्ट टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स पाई बाई थ्री, ठीक है। आपको दोनों अब डायग्राम वगैरह भी कुछ नहीं बनाना है, आपको लगाना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेकंड है, फर्स्ट में केवल थीटा रहता है इसका मतलब थीटा ही होगा, माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री। अब डायरेक्ट देख लेना ट्रिक, ये कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस पाई माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, ठीक है। अब और देखो नेक्स्ट, एक और कौन सा बच गया, वन माइनस आयोटा रूट थ्री, ये कौन से में, वाई तो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस पाई बाई थ्री। डायरेक्ट निकालोगे कुछ भी नहीं करना आपको, तो इस तरीके से ये चारों निकालना। अब देखना आगे, अब देखो क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो जेड इज इक्वल टू आपको दे दिया रूट माइनस फाइव, ये संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव ये ध्यान करो। देखो एक तो आपको यदि वैल्यू याद है रूट फाइव की होती है 2.28, ठीक है, तो यदि याद है तो आपको डायरेक्ट ही पता चल गया कि ये संख्या नेगेटिव है, और नेगेटिव एंगल क्या होता है भाई, नेगेटिव है रियल है, नेगेटिव है और रियल है, इसका मतलब एंगल क्या होगा पाई, तो आपका आंसर डायरेक्ट ही पाई आ जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं बता चुका हूं। अब जेड इजगल टू माइनस टू आयोटा, ये कहां पे होगा भाई, माइनस टू यहां पे होगा, एंगल क्या बनेगा इसमें पाई बाई टू, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस पाई बाई टू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ब्रेकेट से बाहर पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा, ये याद रख लेना आप, ठीक है। बाकी एक्चुअली ये बात है कि एक चीज और देख लो, आपको हम इसको निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो आपके पास आ गई, एक तरीका और है इसका निकालने का, ऐसी बात नहीं है, मान लो इसका ले लेते हैं, इसका क्या लेते हैं माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री, तो ये माइनस वन और माइनस रूट थ्री, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये पाई बाई थ्री बनेगा, तो ये एंगल कौन सा बनेगा आप चेक करोगे, पाई प्लस पाई बाई थ्री बनेगा, तो ये फोर पाई बाई थ्री, फोर पाई बाई थ्री में से टू पाई घटा दो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी थीटा है उसमें से टू पाई घटा दो आपका आंसर आ जाएगा, तो अब घटाओ भाई, फोर पाई बाई थ्री माइनस टू पाई, तो माइनस का टू पाई बाई थ्री, लेकिन अपने को तो इतना जाना ही नहीं है, अपने को तो केवल थीटा घटाना है, वो थीटा निकालना है, वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर देख के, यदि इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं तो अपने को केवल वो ही लिख देना है, यदि एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव है तो पाई माइनस थीटा कर देना है, यदि दोनों नेगेटिव हैं, मान लो माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री है, क्वाड्रेंट कौन सा है आपको ये चेक करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा, अब मान लो एक्स तो है पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, आपको केवल इतना सा काम करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी क्वेश्चनों में, और मैं आगे शॉर्ट ट्रिक इसी से ही बनाऊंगा फिर, ठीक है। तो देखना, अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, देखो क्वांटम के कुछ परिणाम है, ठीक है। देखो एक तो है आर्ग्यूमेंट जेड इनवर्स का होता है आर्ग्यूमेंट जो भी माइनस का, इसके पीछे एक रीजन है,
इसको एक प्रूफ करके बता देता हूँ मैं, एक्स माइनस आइटा वाई का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये किसका होता भाई, ये तो जेड का होता है, तो माइनस आर्ग्यूमेंट जेड। तो ये तो इसका हो गया प्रूफ, तो बाकी आप याद कर लेना। माइनस जेड का हो गया पाई में कुछ न कुछ जुड़ेगा, माइनस जेड का मतलब है दोनों ही माइनस, तो यहाँ आएगा वो, ठीक है। अब आगे ये याद कर लेना, नेक्स्ट देख लेना, नेक्स्ट देखो। अब इन दोनों के बीच का एंगल दिया है, तो ये आपको पता है कि जीरो से पाई के बीच में हम क्या लेते हैं, पाई हो सकता है इसका, ठीक है, और माइनस पाई के बीच में हम माइनस पाई लेते हैं, ठीक है, ऊपर पाई है तो नीचे पाई लेते हैं। बाकी आप ये लिखना, इसका क्या करो, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स निकालना, और इसका माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स निकालना, और पुट करके देखना आपका पाई और माइनस पाई एंगल आ जाएगा। अब देखो आर्ग्यूमेंट वन अपॉन जेड माइनस आर्ग्यूमेंट जेड, और इसका क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी का सारा ही इक्वल होता है, इसके पीछे रीजन होता है माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आएगा। आप निकालना, यदि संख्या को जेड से मल्टीप्लाई, आयटा से, यदि एक्स प्लस आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई बाय टू बढ़ जाएगा। अब देखना भाई, मान लो जेड इजगल टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, आयोटा जेड का मतलब है इस पूरी को आयोटा से मल्टीप्लाई करना, आयोटा से मल्टीप्लाई करना। मान लो ये कोई नंबर था यहाँ पे, यदि आपने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो रियल पे था वो काल्पनिक पे आएगा, और जो काल्पनिक पे था वो यहाँ पे रियल पे आएगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना बढ़ जाएगा भाई, ये एंगल पाई बाई टू प्लस एड हो जाएगा। यदि आप आयोटा से गुणा करोगे तो एंगल पाई बाई टू इंक्रीज हो जाएगा। आप निकालना इसको, यह हो जाएगा आयोटा एक्स माइनस वाई, तो इसका एंगल निकालना, एंगल क्या हो जाएगा, तो ये तो माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये क्या इसमें आ जाएगा, जो पॉइंट इसमें था वो पॉइंट इसमें आ गया, इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया, पाई बाई टू इंक्रीज हो गया। अब देखना, माइनस आयोटा से गुणा करो, ये तो केवल आयोटा से था, यदि जेड को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस पाई बाई टू इंक्रीज होगा, माइनस पाई बाई टू इंक्रीज होगा। इसको देखना, एक्स प्लस आयोटा वाई को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा वाई माइनस आयोटा एक्स, ठीक है। तो देखना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखो ये एक्स का तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये यहाँ पे था तो कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब किधर आया, माइनस पाई बाई टू इंक्रीज हो गया, तो ये लो। अब आर्ग्यूमेंट जेड वन जेड टू क्या होगा, आर्ग्यूमेंट जेड वन प्लस जेड टू होगा। यदि मल्टीप्लो, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा लॉग की तरह काम करेगा, इसमें हमेशा लॉग, अपना लॉग काम करता है ना, उसकी तरीके से ही काम करेगा। अब देखो, पहले तो हमने जेड का लिया है, अब हम लेंगे जेड प्लस जेड बार का योग और नेगेटिव। अब देखो, अपन जेड प्लस जेड बार करेंगे तो बताओ ये क्या है, रियल नंबर है, हमने पीछे पढ़ लिया। रियल नंबर का गुणांक या तो जीरो होता है या पाई होता है। यदि रियल नंबर पॉजिटिव है तो जीरो होगा, रियल नंबर नेगेटिव है तो पाई होगा। जेड माइनस जेड बार ये क्या होता है, इमेजनरी, इमेजनरी या तो पाई बाई टू होता है या माइनस पाई बाई टू होता है। यदि इमेजनरी पॉजिटिव होगी, यदि टू होगी तो ये पाई बाई टू होगा, और यदि इमेजनरी नेगेटिव होगी तो माइनस पाई बाई टू होगा। तो इन चीज़ों को आप देखना, ये ही है यहाँ, ये चीज़ ही अपन के यहाँ जीरो और पाई आपका हो गया। और एक चीज़ और देखना, आर्ग्यूमेंट मल्टीपल का और देखना, ये मल्टीपल हमेशा क्या होता है, मोड, ये हमेशा क्या होता है, रियल,
और पॉजिटिव, भाई स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, रियल होगा तो रियल होगा, इसका मतलब इसका एंगल हमेशा जीरो होगा। जेड एंड जेड बार का हमेशा आर्ग्यूमेंट जीरो होगा। इसके पीछे रीजन है कि जेड इंटू जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें केवल और केवल क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। पहली बात, कंडीशन हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि मोड जेड हमेशा पॉजिटिव रहता है और रियल होता है, तो रियल भी है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा, इसका हमेशा हमेशा जीरो हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब देखो कोणांक के कुछ फॉर्मूले अपने, जिसको हम यहां देख लेते हैं। अभी देखो आपके पास एक तो फॉर्मूला है जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला तो हमने वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं, जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर इजगल टू जेड वन का स्क्वायर जेड टू का स्क्वायर प्लस टू कोस, नहीं टू जेड वन जेड टू कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। भाई दो मिश्र संख्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहा है। देखो इसका डायग्राम मैं बना के देता हूँ आपको, हर चीज डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये मान लो थीटा है, थीटा इसको वन मान, ये टू मान लो आप, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान रहे हैं हम, बाकी वन टू से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये क्या होगा, ये तो हो गया थीटा वन पूरा, तो क्या हो गया थीटा वन एक्स एक्स से लेके जेड टू का, और ये हो गया थीटा टू, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू। तो ये एंगल हमने कोस में लिया। अब सोचो ये एंगल यदि पाई बाय टू हो, तो पाई बाय टू में तो कोस जीरो हो जाएगा। देखो इसको जेड वन प्लस जेड टू, ये क्या होगा जेड वन का स्क्वायर, वेक्टर में पढ़ते हैं ना हम, टू जेड वन जेड टू कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया, ये लो डायग्राम दोबारा देख लो। ये मान लो जेड वन, थीटा टू एंगल मान लो क्योंकि हमने यहाँ पे ले लिया अब, और ये पूरा थीटा वन है, तो इनके बीच का क्या हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू हो गया, ठीक है। अब देखो ये यदि 90 डिग्री पे होंगे तो ये कोस 90 होगा, यदि थीटा वन माइनस थीटा टू पाई बाई टू हो तो कोस पाई बाई टू की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये पार्ट तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो यदि ये लंबवत तो हो तो जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोड जेड वन का स्क्वायर प्लस मोड जेड टू का होल स्क्वायर, यदि ये पाई बाई टू हो तक। लेकिन ये लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, जेड वन और जेड टू एक दूसरे के ऊपर ही हो, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब थीटा वन माइनस थीटा टू क्या हो जाएगा जीरो, तो कोस थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी वन। यदि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, इनके दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो सोचो ये तो वन हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, जेड वन और जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन का स्क्वायर जेड टू का स्क्वायर प्लस टू, ये तो वन हो गया, टू जेड वन जेड टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, जेड वन प्लस जेड टू, ये आपके बात समझ में आ गई होगी। तो जेड वन और जेड टू, तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है, लाइन का यही तो बनता है, यदि ये छोटी बड़ी हो, ये यदि छोटी होती तो ट्रेंगल बन जाता, तो ये इक्वल है तो ये एक लाइन के ऊपर बन गया। तो ये दोनों थ्योरम याद रखना, एक तो थीटा वन माइनस थीटा टू पाई बाय टू हो, एक थीटा वन माइनस थीटा टू जीरो, ठीक है। तो इस पर देखो अब,
तो यदि ये पाई बाय टू हो तो ये क्या हो गया, वी शुद्ध काल्पनिक हो गया। अब देखो तो ये तो आप मल्टी करना अपने आप, क्योंकि इसमें माइनस वाला कट जाएगा, माइनस टू जेड वन जेड टू और प्लस टू जेड वन जेड टू आएगा वो इसमें कट जाएगा, ये ध्यान रखना, बाकी कर लेना। इन दोनों को वेक्टर में हम पूरी तरीके से प्रूफ करेंगे और इसकी वैल्यू हम पाई बाय टू लेके आएंगे, ठीक है। ये मैंने प्रूफ करके बता दिया है कि थीटा यदि जीरो तो ये हो जाएगा, या फिर थीटा टू एन पाई ओ तो ये हो जाएगा। अब ये ट्रेंगल के जो फॉर्मूला लगाया था ये देखना, अब है इसका पोलर फॉर्म जो आपके सिलेबस में भी अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है, इस पोलर फॉर्म के बारे में अब डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये अभी, और आपको यहां पे जो थीटा टेन थीटा कैसे आता है वो मैं प्रूफ करके भी आपको बता दूंगा। यहां पे पोलर फॉर्म की बात करते हैं, पोलर फॉर्म का मतलब है कि x प्लस आइटा वाई को किस में चेंज करना है, r एंड थीटा में चेंज करना है। मतलब x एंड y को किस में चेंज करेंगे, r एंड थीटा में चेंज करेंगे हम। तो r एंड थीटा में क्या हो जाएगा भाई, देखना ये तो आपका कोई जेड है मान लो, ठीक है, ये एंगल थीटा है, मैंने बता दिया कि ये तो x, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये तो x होगा और ये y होगा और ये r होगा, क्योंकि रेडियस से लेते हैं हम, सर्किल बनता है ऐसे, लेकिन इतना आपके पास है नहीं। तो अब देखो x अपॉन r में क्या रिलेशन है, आधार बट्टा क्या हो गया करण cos थीटा, तो x इजल टू r cos थीटा, इसी प्रकार r sin थीटा आ जाएगा, ये लंब अपॉन करण हो जाएगा, तो ये आधार अपॉन वो लंब अपॉन क्या हो जाएगा आपका करण हो जाएगा, तो साइन में आ जाएगा, तो y की वैल्यू ये आपकी आ गई। अब देखो एक तो समीकरण आपकी आ गई x इजगल टू आर कोस थीटा, एक आ गई y इजगल टू आर साइन थीटा, ये इक्वेशन है, ये टू है। अब देखो इक्वेशन वन का स्क्वायर और इक्वेशन टू का स्क्वायर करके जोड़ दो आप, तो आपका आर स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दो आप, तो आपका आ जाएगा थीटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो ये आपका थीटा इजल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और ये आपका आर आ गई रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू निकालोगे तो रूट में हो जाएगा, ये लो, ठीक है। अब आगे एंगल है, तो अब देखो अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई था, एक्स की जगह मैं क्या लिख दूं आर कोस थीटा, और वाई की जगह क्या लिख दूं आर साइन थीटा, आर कॉमन ले लो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म बन चुका है जो आपके सिलेबस में मेंशन कर चुके हैं, और ऐसा पूछ भी लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखना ये ठीक है, अब इसको देखना भाई, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करेंगे हम जो पोलर फॉर्म के ही हैं। देखो अपना होता है x प्लस, अब मेरी फोटो नहीं दिखेगी आपको तो कोई बात नहीं, r इजल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया, ठीक है।
ये तो हमने निकाल लिया, कैसे निकालते हैं, एक्स इजल टू आर कॉस थीटा और वाई इजल टू आर साइन थीटा, ये सभी को पता ही आपको। अब देखो वन प्लस आयोटा है, ठीक है, आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो आर निकालो इसमें, वन प्लस वन इजगल टू रूट टू, तो आर की वैल्यू रूट टू, थीटा इजगल टू टेन इनवर्स वन अपॉन वन, टेन वन, टेन वन इजगल टू पाई बाई फोर, तो बदल दो आप रूट टू, देखो वन प्लस आयोटा इजगल टू रूट टू, ठीक है, कोस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर, तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो जो भी एंगल था वो आपके अब काम आएगा, जो भी पीछे हमने एंगल में बात की है ना, वो सारे के सारे इस पोलर फॉर्म में काम आने वाले हैं। देखो अब आपके पास क्वेश्चन है, माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, ठीक है, पहले तो इसको देखो कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स का माइनस वाई का प्लस कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा, अब थीटा निकालना है, थीटा में क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, अब साइन का ध्यान नहीं देना आपको, वन अपॉन रूट थ्री इजगल टू पाई बाई सिक्स, तो अब क्या बन जाएगा, थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई सिक्स है, तो मेन थीटा अपना क्या बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स, तो अपना मेन थीटा क्या बन गया फाइव पाई बाई सिक्स, आर की वैल्यू टू बन गई। देखो तीन का स्क्वायर, रूट तीन का स्क्वायर तीन, प्लस एक का स्क्वायर एक, तीन प्लस एक चार, रूट करोगे टू हो जाएगा, तो इसको अब डायरेक्ट करेंगे हम, कोस फाइव पाई बाई सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स हो गया, ठीक है, ये आपका मैच हो गया। देखो मेन चीज़ है ये थीट्टा निकालना, थीट्टा आपको ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, जो भी त्रिका हमने निकाला है, यहाँ यदि प्लस प्लस है तो केवल थीट्टा लेना है, यदि माइनस प्लस है तो पाई माइनस थीट्टा लेना है, अपने को यहाँ माइनस और प्लस था, हमने थीट्टा तो इससे निकाल लिया और फिर पाई माइनस थीट्टा करके हमने मेन थीट्टा ये निकाल लिया। अब देखो नेक्स्ट में भी आपको समझ में आ जाएगी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो डायरेक्ट ही अब ये क्वेश्चन करेंगे ना तब शॉर्ट ट्रिक में करेंगे हम। अब देखो माइनस फाइव है, मैंने कहा यदि रियल नंबर हो और माइनस में हो तो थीटा की वैल्यू पाई होगी, देखो ऐसे याद रखोगे तो ऐसे आपके काम आएगी, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, आर की वैल्यू मैंने बता दिया कि ये फाइव की फाइव होगी, तो आपके क्या बन जाएगा कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई आपका आंसर, पीछे माइनस आयोटा है, यदि इमेजनरी माइनस में है तो माइनस पाई बाई टू बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा कोस माइनस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई टू, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखो। अब एक क्वेश्चन हो रहा है अपने पास, एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो ध्यान से, आपके पास है थ्री प्लस फोर आयोटा, दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब टेन इनवर्स फोर बाई थ्री बन जाएगा, ये थीटा ही रखेंगे हम, तो इसका और आर वैल्यू क्या, थ्री की स्क्वायर प्लस फोर की स्क्वायर इजगल टू रूट करोगे तो फाइव बन जाएगा, तो फाइव इंटू कोस टेन इनवर्स फोर बाई थ्री आयोटा साइन टेन इनवर्स फोर बाई थ्री, ठीक है, अब देखो ये आपका आंसर मैच हो गया। अब मान लो ये तो एक केवल जेड की बात थी, अब जेड वन जेड टू जेड थ्री यदि मल्टीपल करके चलेंगे तो आर आर तो ये मल्टीपल हो जाएंगे, थीटा हमेशा मैंने कहा जो भी एंगल है वो लोग की भांति काम करेगा, तो थीटा जो भी मल्टीपल में वो क्या हो जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप करना। अब है पोलर फॉर्म आपकी कंप्लीट, लेकिन पोलर फॉर्म से ही एक चरघातांकी फॉर्म है वो देख लेते हैं। चरघातांकी फॉर्म क्या है भाई, चरघातांकी से दिमाग में अपने आता है e की पावर x, a की पावर x, इसे हम चरघातांकी कहते हैं। तो अपने पास है z इजगल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है,
कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर इसके मल्टीपल में है। अब ये दिखते ही आइलर भाई साहब ने क्या कहा, जेड इजगल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। पर इसको क्या कह दिया इसने, आइलर ने आयोटा थीटा कह दिया इसको, तो जेड इजगल टू क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये ध्यान रख लेना, यही आपकी चरघातांक की फॉर्म है। अब देखो चरघातांकी फॉर्म में दो चीजें हैं कि चरघातांकी में एक तो जेड इजगल टू आर ई की पावर आयटा थीटा हमने निकाल लिया, कैसे निकाला जो भी, और आयटा थीटा इजगल टू याद रखना कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि आयलर साहब ने ये आगे जाके ये कह दिया। अब देखना ठीक है, अब आगे ये निरूपित करा रहा है कि कोई मल्टीपल कर दे, मान लो जेड को आयटा एल्फा से मल्टीपल कर दिया, जेड का अपने को पता है आर ई की पावर आयटा थीटा हो जाएगा, और इसको कर लो लो तो ये क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आयटा थीटा प्लस एल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायग्राम मान लो ये थीटा का बन रहा था तो अब ये बन जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, ये डायग्राम क्या बन जाएगा, थीटा प्लस एल्फा बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया भाई, एल्फा हो गया, ये ध्यान रखना। लेकिन ये ग्रेजुएशन में जो कॉम्प्लेक्स है ना उसमें काम आएगी ये चीज, जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स है ग्रेजुएशन में चलती है फर्स्ट ग्रेड में, उसमें ये काम आने वाली है। अब देखो इसका निकालते हम, -1 प्लस आयोटा रूट थ्री लिख दूं मैं इसको। अब आयलर फॉर्म क्या होती है, ई की पावर आयोटा थीटा, मतलब अपने को आर मिल जाए थीटा मिल जाए तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आर तो अपने को 2 मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कर दिया 2 आ गया। अब देखो थीटा और देखो थीटा क्या बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में है ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, वाई का पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव, इसका मतलब पाई माइनस थीटा बनेगा, पाई माइनस और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें, पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री इजगल टू 2π/3, तो जेड इजगल टू 2 आयोटा 2π/3। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये यदि थीटा निकालनी है ना उसके बाद में कुछ नहीं है, केवल वैल्यू पुट करनी है, खेल केवल थीटा का ही है सारा। आर तो आप निकाल लोगे आसानी से, बस थीटा और देख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास 1 प्लस आयोटा है, इसको चरघातांकी में चेंज करना है, मतलब इसको आर ई की पावर आयोटा थीटा में चेंज करना है। आर निकालो रूट टू आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, रूट टू हो गया, थीटा क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं इसको मतलब थीटा ही रखना है, तो टेन इनवर्स 1/1 क्या हो जाएगा, π/4, तो जेड इजगल टू आर ई की पावर आयोटा π/4 बन जाएगा। -5 है, -5 क्या होता है भाई, आर तो 5 हो गया, थीटा इजगल टू क्या होगा, रियल नंबर माइनस में है तो पाई हो गया, तो ये जेड इजगल टू 5e की पावर पाई आयोटा बन गया। नेक्स्ट आयोटा का देखो, पॉजिटिव इमेजनरी है इसका मतलब एंगल तो π/2 बनेगा, आर इजगल टू 1 बनेगा, तो e की पावर π/2 आयोटा हो गया आपका। तो ये चीज है देख लो आप, तो थीटा निकालना सबसे बड़ी चीज है। अब देखो चरघातांकी पढ़ लिया, अब अपन लॉग में पढ़ लेते हैं कि इसका एक लॉगरिथम थ्योरम फॉर्म और है तो वो पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में एक थ्योरम और आएगी, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, और एक फिर स्क्वायर रूट का भी आना बाकी है अभी। तो देखो सम्मिश्र संख्या, अब लघुगणक देखो, तो जेड इजगल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, लघुगणक में लेना है तो अपने को क्या लिखते हैं भाई, आर ई की पावर आयोटा थीटा ही तो लिखते हैं चरघातांकी के रूप में। अब आपको चाहिए लॉग जेड, इसका मतलब लॉग आर प्लस आयोटा थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लॉग ई तो 1 हो जाएगा और आयोटा थीटा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो लॉग जेड इजगल टू, ये आपकी थ्योरम आ गई। अब आर को आप कई फॉर्मों में लिख सकते हो, देखो लॉग जेड इजगल टू आर को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा थीटा भी लिख सकते हो, इसको रूट को क्या लिख सकते हो, 1/2
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा थीटा, तो मेन तो ये बन गई अपनी, तो इसको ध्यान रखना भाई, ये ही काम आने वाली है। देखो दोबारा देख लो, जेड इजल टू ये था आर ई की पावर आयोटा थीटा चर घातांक के रूप में ने ले लिया, फिर लॉग लिया, इसको हटा दो, या फिर इसको लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो यहाँ, ठीक है, इसका लॉग लिया तो लॉग मल्टीपल में है यहाँ तो प्लस में हो जाएगा, तो लॉग आर प्लस आयोटा थीटा हो गया, तो लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 है, इसकी पावर में 1/2 भी तो कर सकता हूँ, 1/2 मैंने पहले लिख दी, और आपका ये आ गया, ये चीज़ याद रख लेना आप। हालांकि ये पूछते नहीं है, सेकंड गेट तक तो नहीं पूछेंगे, फर्स्ट गेट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक तो ये दिया है, ध्यान रखना, लॉग एक्स प्लस आयटा वाई क्या होता है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, क्योंकि थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा, 1/2 लॉग इतना तो रखना ही है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 2 हो गया, 1 स्क्वायर और 1 1 प्लस 1 2 हो गया, आयोटा पाई बाई 4 हो गया, क्योंकि टेन इनवर्स 1/1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो गया, तो ये आपका आंसर मैच हो गया, ठीक है। अब आपके पास दे दिया लॉग 0 प्लस आयोटा, भी लॉग आयोटा मैं क्या कर दूं, लॉग 0 प्लस आयोटा 1/2 तो अपने को करना ही है, लॉग 1 हो जाएगा, ये गौर करना है आप, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस, यहां देखो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है भाई आयोटा ही है, आयोटा पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट है, एंगल क्या बनाएगा, पाई बाई 2, ये चीज़ आपको डायरेक्ट ध्यान रखना। अब देखो लॉग माइनस 3, तो लॉग माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा यहाँ। अब देखो रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है और नेगेटिव में, एंगल बनाएगा पाई, तो पाई आयोटा, तो ये 3 का स्क्वायर कर दो और लॉग 3, 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर पाई आयोटा आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका लॉग में आंसर मैच हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आप करना, तो ये लॉग देखो एक कुछ थ्योरम भी है, लॉग यदि इसकी संयुग्मी हो तो पूरे की संयुग्मी हो जाएगी, यदि लॉग माइनस जेड हो, भाई माइनस जेड हो तो कितना ऐड होगा, पाई ऐड होगा, जो पीछे हम कर चुके हैं, पाई आयोटा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चर घातांक के रूप में ए की पावर अल्फा, ये ऊपर वाला तो हमने कर लिया, क्योंकि ई की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ई की पावर अल्फा और ई की पावर आयोटा बीटा, तो ई की पावर अल्फा कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एक पार्ट और रह गया इसमें, ए की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ये पार्ट रह गया, तो ये देखना भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पार्ट अल्फा इंटू ए की पार्ट आयोटा बीटा, तो ए की पार्ट अल्फा लॉग, नहीं ई की पावर में लिखो, ई की पावर में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा बीटा तो पहले और लॉग ए, तो ये इसको आप थीटा मान लो, तो ए की पावर अल्फा, ठीक है, देखो कोस बीटा लॉग ए प्लस आयोटा साइन बीटा लॉग ए, ये आपका आंसर मैच है, तो ये याद रखना भाई, इसमें ही डायरेक्ट रखेंगे अब अपने, ठीक है। ये निकालना आप खुद इसी तरीके से निकालोगे, ई की पावर में लॉग लोगे फिर मल्टीपल करोगे, अंदर मल्टीपल करना है वैसे इसको। तब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग ही,
देखो आपको दे दिया मान लो 4 की पावर 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 4 की पावर 3 आयोटा, तो ये तो 16 हो गया। इसको ई की पावर 3 आयोटा लॉग 4 करोगे आप, ठीक है। अब ये फॉर्म बन जाएगी आर ई की पावर आयोटा थीटा आपकी, 3 को यहां से हटा के इसकी क्यूब में कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 16 cos log 64 + iota sin 64, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आयोटा की पावर आयोटा, ठीक है। इसका उसी तरीके से लोग लो आप, ई की पावर आयोटा लोग आयोटा, ठीक है, ले लिया। अब देखो ई की पावर आयोटा लोग आयोटा क्या होता है भाई, लोग आयोटा का हमने पहले निकाला है क्या होता है, पाई बाई टू आयोटा। देखो लोग आयोटा क्या होता है, 1/2 log 1 + π/2 आयोटा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब पाई बाई टू आयोटा होता है लॉग आयोटा का, तो ये मैंने पाई बाई टू लॉग आयोटा रख दिया, तो ये लो भाई आयोटा आयोटा -1 होगी, तो आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर -π/2, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ये रियल है या इमेजिनरी है, तो ये रियल नंबर है एक, मतलब ये क्या होती है, एक रियल नंबर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर -π/2 को मैं 1/e की पावर π/2 लिख सकता हूँ, 1/e की पावर π/2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू 1 से तो कम होगी, क्यों, 1 में तो डिवाइड हो रहा है कोई पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब 0 से बड़ी और 1 के बीच में होगी ये नंबर, एक रियल होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक पॉजिटिव होगी ये ध्यान रखना, ठीक है। अब है वर्गमूल निकालना, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक से हम कल से स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक आज इतना ही करेंगे और कल से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसकी थ्योरी पूरी देखेंगे। तो आयोटा की पावर आयोटा जरूर देखना, एक तो इसमें आयोटा की पावर आयोटा है तो इसकी वैल्यू मेन वैल्यू तो यही होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये एक रियल नंबर है, आपको आयोटा की पावर आयोटा दिख रही है लेकिन ये एक रियल नंबर है, इसकी वैल्यू 0 से आयोटा की पावर आयोटा 1 के बीच में होती है, ठीक है, और 0 से लेके 1 के बीच में होती है, और हाँ रियल नंबर होगी। तो देखो कुछ रिवीजन पार्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि जो भी हमने पढ़ाया कुछ रिवीजन में है। देखो एक तो थीटा क्या होता है भाई, -π से बड़ा और पाई तक होता है, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। फिर थीटा निकालते कैसे हैं, देखो इसमें थीटा होता है, इसमें पाई माइनस थीटा हो, इसमें -θ और इसमें -π -θ। अब मान लो 1+√3 का, -1+√3 का ही निकालना है, पहले हमें पॉजिटिव पॉजिटिव निकालो, इजी निकल जाएगा, क्या π/3 बन गया, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, सेकंड में, तो मुख्य थीटा क्या हो जाएगा, π - π/3, तो 2π/3 आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो -1 और -iota√3 का देखो, तो थीटा इज इक्वल टू तो क्या हो गया, π/3 हो गया, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब π - π/3, तो माइनस का 2π/3, ये चीज आपको आराम से समझनी पड़ेगी, क्योंकि थीटा निकालना इसमें सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। कल हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और कल